अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे, अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक और आप भी ठीक होंगे। तो मेरे बहन भाई दुख और तकलीफ में अल्लाह ताला उनकी दुख और तकलीफ को दूर आता फरमाए, इसी नेता के साथ आज की वीडियो का आगाज करते हैं। तो व्यूअर्स, मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम बहन भाई, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं। और जब बहन भी दुख और तकलीफ में, अल्लाह पाक उनकी दुख और तकलीफ को दूर फरमाए, जो बहन भी बाहर के मुल्क के, अल्लाह पाक उनको लंबी जिंदगी दे, सेहत वाली, अल्लाह पाक हर मोमिन मुसलमान बहन भाई के रिस्क रोजी में बरकत दे, आमीन। तो व्यूअर्स, आज जो यकीन माने इतनी सर्दी है, आज तो सर्दी ने हद ही कर दी है, बस एक बर्फबारी की कमी है, बाकी सारा माहौल वैसा है। और इतनी सर्दी है, सुबह से धूप ही नहीं निकली है। अब्दुलरहमान ने भी आपके सामने सलाम दुआ कर रहा था, तो ऐसे कर रहा था मैं मिर्ची लग रही है तो आज तो इतनी तेज हवा चल रही है ना व्यूअर्स, यकीन माने हमने जो बाहर छपरी बनाई थी उसके ऊपर जो बोरे डाले थे वो भी उड़ गए हवा की वजह से। तो आज हमने कहा कि ले आते हैं कमरे में चूल्हे को और यहीं पर खाना बनाते हैं। और आज तो हमने जो है ना क्या कहते हैं कमरे को किचन बना लिया है। और अम्मी जो है आग जला रही है। अम्मी बता के खिलो तो अभी जो है ना व्यूअर्स, आए मैं आपको बाहर का भी माहौल दिखाती हूँ। इतनी सर्दी तो व्यूअर्स, ऐसा लगता है जैसे कश्मीर में आ गए हम, मरी में कैसे आए मैं। तो व्यूअर्स देखते हैं अभी मौसम कैसा है। और ये जो है ना हमारी छपरी है, ये उसका हाल हुआ हुआ है। ये रात को ये वाला बोरा भी सारा उड़ गया था, ये हमने दोबारा लगाया है और ये वाला भी दोबारा लगाया है। और व्यूअर्स, आए मैं आपको एक और चीज़ दिखा दी बहुत ही मज़ेदार। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे दरख्त पर जो है ना सुहागिना यानी बाटा लगा हुआ है। ये जो बाटा गांव में मिलता है, खाते हैं लोग, ये देखें। तभी बस माशाल्लाह से जो है बाटा भी लगा हुआ है। और ये देखें, ये धनिया भी हमारी जो है ना उगी हुई है प्यारी प्यारी सी। और ये साथ में ना एलोवेरा भी उगी हुई है। तो ये भी हमारा छोटा सा ना एक गार्डन है। और ये जो हमारा दरख्त है, ये भी बहुत ही मतलब के इसने फल लिया हुआ है। तो इंशाल्लाह फिर जब ये बिल्कुल पक जाएगा तो फिर हम इसको हाथ सेकने तो आ जाए। और सर्दी तो बहुत ही ज्यादा हो गई आपकी तरफ भी। आप तो कमेंट करके ये बताना कि आपकी तरफ सर्दी कैसी है। हमारी तरफ तो आपको पता ही है कि जैसे बस एक बर्फबारी की कमी है। तो भी बस आज तो हम आलू से एक स्पेशल डिश बना रहे हैं, बहुत ही स्पेशल रेसिपी आप सबके साथ शेयर करेंगे। इसलिए आपने वीडियो को लाजमी फुल वॉच करना है। और हम आपको पता है कि सर्दियों में तो आलूओं का काम होता है, आलू की जो है ना खेती बाड़ी होती है। तो आलू में दिहाड़ी करने जाते हैं, तो जितनी हमारी मेहनत होती है, हमारी मेहनत के हिसाब से वो रोज़ के जो है ना हमें किलो आधा किलो दे देते हैं हम आलू। तो रोज़ तो हम आलू ही खा रहे हैं। अब पहले साग खाते थे, अब आलू खा रहे हैं बस। अब जो है ना कभी आलू के पराठे, कभी आलू का सालन। तो अभी जो ना आज हम आलू से एक और स्पेशल रेसिपी बना रहे हैं। तो वीडियो को फॉलो आज करना है। तो अम्मी जो है आलू उबाल लेती हैं और मैं जो सब्जी बना लेती हूँ। माशाल्लाह से हरी प्याज देखते हैं कितने फ्रेश फ्रेश है। आलू काट कर इसमें शामिल कर देंगे उबालने के लिए। खा देंगे फिर तेरी आलू अंदर राज खावो केवल आलू दा पराठे ते केवल आलू दा सालन ते केवल आलू दे टिकिया। अभी बस ये जो है ना हरी मिर्ची और नींबू है और ये हरी धनिया है। और अभी जो है ना मैं सारा मसाला बना देती हूं। तो व्यूअर्स, आलू हमारे उबल चुके हैं। अभी जो है ना हम इनका छिलका उतार लेते हैं। ओके, रन कर दो।
आप इसके अंदर जो है ना नींबू निचोड़ लेते हैं, और मैं जो ये हरा मसाला शामिल कर देती हूँ। ये हमने जो है ना बनाकर और इसको अच्छे से धो लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर मसाले शामिल कर देते हैं। बहू है मैं बस। अब जो सूखा धनिया भी शामिल कर लेते हैं इसके अंदर, चखा बस बस। नमक शामिल कर लेते हैं, हल्दी हम इसके अंदर शामिल करेंगे सिर्फ दो चुटकी। बस ठीक है, अभी हमारे मसाले शामिल हो गए। अब अच्छे से जो है ना इसको मिक्स करके इसका जो है ना अच्छे से एक हम मसाला बना कर तैयार कर लेते हैं आलूओं का। तो माशाल्लाह से व्यूअर, हमारा मसाला जो बिल्कुल तैयार हो गया। तो हमने टिक्कियां बना रही हैं, देखिए कितनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी हमने गोल गोल टिक्की बनाई है। व्यूअर सबने टिक्कियां बनाना शुरू करते हैं, और इसमें जितनी भी मेहनत होती है लेकिन फिर खाने में मज़ा भी उतना आता है। घी दे सको थोड़ा बताए, आज तक समझदार टिक्किया बना के खा सकते हैं आलू दिया। अभी बस इसको हल्की सी आंच पर जो है पकने देंगे, और जो है इसी टिक्किया के साथ बस हम रोटी भी बना लेंगे तो इन्हीं के साथ खा लेंगे, बहुत ही मजे की लगती है। मैं अपनी रोटी पका दूंगा। अच्छा अच्छा बुके आता हूँ तो अभी जो है ना इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तुरंत ना मंजन चलेगी, चेक करें बिल्कुल ब्राउन ब्राउन जो है पकड़ तैयार हो गई है। तो अभी मैं थोड़ी सी चखती हूँ फिर आपको बताती हूँ कैसी बनी है। माशाल्लाह यकीन माने इतनी मजे की बनी ना हमारी टिक्कियां, मेहनत जितनी की है ना उससे भी डबल जो है ना हमें फल मीठा मिले है। सारे टिक्कियां तो सारे चटपट है तो बहुत ही मजे की जो है ना टिक्कियां बनी। जिस बहन भाई ने खानी है आ जाए बिस्मिल्लाह करे, टिक्कियां हमारी तैयार है। और व्यूअर्स बाहर देखें बिल्कुल अंधेरा हो गया है, कशा नजर नहीं आ रही, बाहर बल्ब भी नहीं है हमारा, बल्ब खराब था ये बोर्ड तो इस वजह से जो ना बल्ब भी नहीं लगाया बाहर। तो अभी जो ना इतनी सर्दी बढ़ गई है व्यूअर्स, बाहर तो बहुत ही हवा चल रही है, और ये दरवाजा जो है ना हम बंद कर देंगे। और व्यूअर्स इसी के साथ वीडियो भी खत्म होती है। और जो बहन भाई चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, सवाब के तौर पर नेकी समझ के सब्सक्राइब करना है। और हमें दुआ में जरूर याद रखना है, कमेंट करके आपने लाजमी बताना है कि आपको हमारी आज की टिक्कियां कैसी लगी। और जो है ना व्यूअर्स अभी जो है ना बस हम आग से हाथ सेकेंगे और उसके साथ साथ टिक्कियां भी खाएंगे। दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।